महल। हवा महल में आइए आज सुनते हैं हास्य नाटिका डॉक्टर साहब ने घर संभाला। लेखक और निर्देशक हैं प्रभात त्यागी। के मारे भी नाक में दम है। टाइम बेटाइम चल पड़ते हैं मुंह उठाकर। अरे आप? जी हाँ, सेवा की तो है। पर आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? भाई जरा कानों से सुनना चाहता था कि मेरे मरीजों को क्या क्या डिग्रियां देती हो तुम। कहीं जल्दी आने की बात तो भाई, जब मरीज ही नहीं होगा तो क्या मैं खुद मरीज बनकर खड़ा हो जाता? और तुम्हारा भी जवाब नहीं सुना, जल्दी घर लौट आओ तो पूछ रही हो जल्दी क्यों आ गए, और देर हो जाती है तो कैके की तरह से रूठ जाती हो। हाँ जी, घर क्यों आओगे, घर में ही है कौन जल्दी आने के लिए? अब तुम कहो तो मैं वापस लौट जाऊं। लो और सुनो, मैं तो इसलिए कह रही थी कि अब तुम भी कैसे पति हो जो अपनी पत्नी के उद्गारों को भी नहीं समझते। लीजिए पायजामा और कमीज, आप कुछ नाश्ता वगैरह कीजिए, मैं छत खाना चढ़ाती हूँ। खाना अब चढ़ाओगी? अरे सुधा, तब तो भैया अस्पताल को फोन करके मेरे लिए एम्बुलेंस मंगवा लो। हाय, कैसे जबान निकालते हो, एम्बुलेंस में तुम्हें बिठाने से पहले क्या मैं खुद उसमें नहीं बैठ जाऊंगी? हे वंडरफुल एक्सीलेंट, पति परायणा देवी, ये अदना सा पति तुम्हें प्रणाम कर रहा है। लेकिन श्रीमती जी, ये नाटक का स्टेज नहीं है। सचमुच भूख इतनी तेज लग रही है कि आध घंटे में स्ट्रेचर पर लंब लेट हो जाऊंगा मैं। हाँ। तो कुछ नाश्ता कर लो ना, मैं मिनटों में खाना बनाती हूँ। नो, आई से हॉल्ट हॉल्ट एंड सिट ऑन दिस चेयर। क्या हो गया है आपको? मैं कहता हूँ कुर्सी पर बैठ जाओ, जब तक फर्दर ऑर्डर न मिले इसी पर जमी रहो। देखो तुम्हें तुम्हारे पीहर की कसम है, बैठ गई। सुधा, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगा, ऐसा कि जीप जो है ना वो चखारे ले ले। आप और खाना? ऐसी ही कल्पना है जैसे लखनऊ के हजरतगंज या दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोई राजस्थानी रेत के ऊंचे टीले को देखना चाहे। हाय हाय, क्या जालिम उपमा दी है तुमने भी। पर प्रिय भारिया, शायद तुम्हें पता नहीं है कि बंदा हाई स्कूल में ही FRS हो चुका है। FRS? और हाई स्कूल में? मैं जानता था कि ये बात तुम्हारी अकल में नहीं समाएगी। जनाब, FRS का मतलब है फॉरन रसोई सर्विस। और जानती हो ये डिप्लोमा मैंने कहाँ प्राप्त किया? पूछो कहाँ? कहाँ? अपने मकान के पिछवाड़े की अंधी रसोई में और प्यारी अम्मा के सुपरविजन में। क्योंकि जब भी वे बीमार पड़ती तो घर की इकलौती मर्दानी जनानी एक ही संतान होने के कारण ये सौभाग्य माँ भदौत को ही प्राप्त हो जाता था। समय समय पर उत्सवों तीज त्योहारों पर और भी अधिक अनुभव प्राप्त करके मैंने MBBS अर्थात मिर्च बड़े बढ़िया सब्जी, MD अर्थात मास्टर ऑफ दही बड़ा, LMP यानी मास्टर फॉर लखनवी पराठे का डिप्लोमा भी प्राप्त किया। पर आज तो मैं तुम्हें कुछ और ही चीजें बनाकर खिलाऊंगा। सच्ची? हाँ? मुझे तो बड़ी खुशी हुई ऐसे होशियार हलवाई जैसे पति को पाकर। अच्छा KGM अर्थात कोरे गपमार जी, मुझे तो रसोई में जाने दीजिए, बहुत सुन ली आपकी मनगढ़ंत बातें। मैं कहता हूँ सुधा, तुम्हें अपने देवता तुल्य पति की सौगंध जो रसोई में झांका भी तुमने, तो आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों का जौहर दिखला कर ही रहूंगा। जाइए, तो मैं आपसे नहीं बोलती। हाँ, शांत शांत बुद्धिहीन नारी, क्रोध पतन का मूल है, नारी का आभूषण तो सहनशीलता है। खैर, तुम भी क्या याद रखोगी। चलो हम अपनी कसम में थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, तुम बुलाने पर रसोई में प्रवेश कर सकती हो। हाँ, तो प्राचीन काल की वीर सुरमाओं की बहादुर पत्नियों की तरह कुमकुम रोली न सही, अपनी मुस्कुराहट से मेरा मार्ग प्रशस्त करो। What? No reply? खैर, never mind. हाँ, तो पत्थर चूने की दीवारों, पानी के मटकों, मेज कुर्सियों का संदूकों,
तुम साक्षी रहना कि आधुनिक पत्नी अपने पति के पुण्य कार्य में कैसे मुंह सुझा कर मदद करती है। खैर मैं तो चला रसोई में। एक बंगला बनेगा न्यारा, एक बंगला बन। अरे भाई सुधा, मैंने कहा दिया सिलाई का रखी है। अच्छा रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। ओफो, दिया सिलाई भी प्रेम पत्र की तरह से अंदर छिपा कर रखी है। अरे निकल निकल। हाँ तेरे की बिस्मिल्लाह, ये खराब हो गया। ओफो क्या गिरा? गिरा मेरा सिर। ये भी कोई गिलास रखने की जगह है? हे भगवान, तू इन पत्नियों को कब बुद्धि देगा? अजी मैंने कहा श्रीमती जी, अब यहाँ आकर कांच के टुकड़े और बिखरे हुए दूध को तो साफ कर जाओ। मैं कहती हूँ सारा दूध बिखेर कर शाम की चाय की तो छुट्टी कर दी। अब और क्या रहे किरादे हैं? निकलते हो बाहर या मैं अपनी पत्नी के अधिकारों के लिए यही धरना दूँ? ठहरो ठहरो ठहरो, जाकर पहले मेरा थर्मामीटर उठा लाओ। वो क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा टेम्परेचर देखना चाहता हूँ, जो इस रसोई की भयंकर गर्मी में भी नॉर्मल रहता है। ओ माय गॉड, इट इज टेरिबली हॉट हियर। हाय जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप बाहर निकल आइए। अरे भाई मैंने कहा सुधा, मैं लौकी की पकौड़ी, आलू बैगन की सब्जी, चावल का पुलाव और पूरिया बना रहा हूँ, तो भाई ठीक है ना? अरे हाँ तो कर दो भाई महाराज। मैं कहती हूँ मुझसे बात न करो, न जाने कौन से कर्मों का फल मिल रहा है, जो महीनों क्या बरसों में आज अस्पताल से घर जल्दी आए और आज के दिन भी अपने अंकल का पोस्टमार्टम करने लगी। हाय हाय, सच सुधा, तुम्हारी उपमाएं तो जानलेवा होती है। जी चाहता है कि वहां आकर। खैर सुनो, और चीजों के साथ रतालू का हलवा कैसा रहेगा? रतालू का हलवा? क्या कहा? रतालू का हलवा? भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे। अरे बस, आदमी और औरतों में इतना ही तो अंतर है कि औरत जिंदगी भर एक ही लकीर को बड़े मजे से पीटती है, जबकि पुरुष नए नए प्रयोग करना चाहता है। मैंने कहा क्यों जी, ये रतालू के हलवा बनाने पर मना कर देता है कि प्यारी बहनों, मुझे केवल सब्जी के रूप में ही भगवान ने भेजा है। अगर मेरा कुछ और बनाया गया तो मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा। औरतों की माया भी खूब है, जो रतालू की जन्मपत्री में केवल सब्जी बनाना ही लिख दिया है। अब मैं तुम्हें क्या नए विचार दूं, बीच में ही तुमने ठोक दिया। नहीं तो मैं तुम्हें भिंडी का भुर्ता, अरे करेले की खीर, बैंगन की मीठी मीठी चटनी, प्याज की गुलाब जामुन और शलजम की खिचड़ी आदि बनाकर नई नई चीज खिलाता, समझे? तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैं अब से पागल हो जाऊंगी। अरे पागल हो जाऊंगी तो बंदा तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा भाई, अस्पताल में अब करते ही क्या है। खैर छोड़ो जी, नई बात सुनकर तुम पागल होती हो तो हो, मैं बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करता हूँ। तुम्हारी छोटी बुद्धि में मेरी बातें समा भी नहीं सकती है। अरे भाई सुनना, मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है और पकौड़ियों के लिए बेसन तैयार है। ये भाई पिसा हुआ धनिया कहाँ है? पता नहीं, भूल लो ना अपने आप। रसोई बनाओ तुम और तंग होऊं मैं रसोई बनाती हूँ तो तुम्हें तंग करती हूँ क्या? ओहो, तो तुम सोचती हो कि मुर्गा नहीं बोलेगा तो सुबह ही नहीं होगी? सुबह होगी और जरूर होगी। ये क्या हो रहा है? ये तेल कैसा है? सारी कढ़ाई में झागी झाग हो गए हैं। मैंने कहा सुधा, अरे मैं जल्दी भाग कर आऊं, ये तेल तो कढ़ाई से बाहर आकर स्टोव पर गिरने लगा है। अरे अरे आग आग, अरे रसोई में आग लगी सुधा। अरे गरम तेल में पानी छिड़क रहे हो, हटो, नमक कहा है? इसमें नमक डालो, लो। प्यारी अम्मा ने बस मुझे यही आर्ट नहीं सिखलाया था। ओह मेरी माँ, ये क्या किया तुमने? कहाँ क्या किया है? अरे बिना छीले ही तुमने लौकी बेसन में काट कर डाल दी। ओह तुम आ गए ना मीन में निकालने के लिए। अरे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि सब्जी फलों आदि को छिलके सहित खाने से लाभ होता है, क्योंकि छिलकों के कारण दांतों और आंतों की वर्जिश के साथ साथ सारे विटामिन पेट में पहुँचते हैं। भाड़ में जाए तुम्हारे वैज्ञानिक। और ये पकौड़ियों का बेसन है, लगता है जैसे राम गंगा ही बहा दी हो, इसकी तो कढ़ी बन जाएगी कढ़ी। मैं कहता हूँ अब तुम जाती हो यहाँ से, आप लगाओ ये बेसन भरा हाथ तुम्हारे गोरे गोरे मुंह पर है। लो अब तो राजी हो, और बेसन डाल दिया है मैंने इसमें। हे भगवान, तू मुझे ऊपर उठा ले, मेरी आंखों के सामने ही मेरी चीजों का सत्यानाश कर रहे हो। अब इतनी पकौड़ियों का क्या होगा, अड़ोसियों पड़ोसियों को बांटोगी क्या?
और ये क्या है गुलाबी गुलाबी तश्तरी में? भाई ये रतालू है और क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, जब कटे ही नहीं तो मैंने गुलाबी गुलाबी बीज का सारा गुदा चीर फाड़ कर निकाल डाला, जैसे ऑपरेशन करके अतड़ियां बाहर निकाल लेते हैं ना। अब देखना क्या क्या लजीज सब्जी बनती है। लो लो अपनी प्रीतमा को विवाह के 2 वर्ष के बाद की बिल्कुल नई भेंट, अपने हाथ की पहली पकौड़ी। जरा खा कर तो बतलाओ कैसी है। अरे पानी, क्या हुआ? पानी तो जल्दी, मेरे मुंह में छाले पड़ गए। अरे लेकिन हुआ क्या? हुआ मेरा माथा, खुद खा कर देखो ना। हाँ मैं देखता हूँ। अरे सुना, इतनी मिर्च कैसे हो गई? लाल मिर्च तो मैंने जरा सी डाली थी। पर ये बेसन इतना काला क्यों है? मैंने तो इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची और ये धनिया डाला है। धनिया? ये धनिया है, फूट गए कर, ये तो गर्म मसाला है पिसा हुआ। अरे तो मैंने तो स्वाद के लिए इसे पूरा भर दिया था। कोई बात नहीं, थोड़ा बेसन और सही। लो लो, आ गई मुसीबत। अरे भाग कर जाओ सुधा, और कोई भी लाड साहब बुला रहा हो कह दो कि डॉक्टर साहब घर पर आए ही नहीं है। हरिया प्लीज हरिया, मैं कहता हूँ जल्दी करो, मैं पकौड़ियों की प्लेट ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा जाओ। हेलो जी, वे तो अभी घर आए ही नहीं है, न जाने कहाँ अटक गए। एक बंगला बनेगा न्यारा। लो पकौड़िया खाओ, एक प्लेट भर कर लाया हुआ अभी भी। लो। अरे 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 भाई क्या हुआ, ये लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हो तुम? कोई जल रहा है जी। जला? तुम क्या चढ़ा कर आए थे चूल्हे पर? हाय बैंगन आलू, बैंगन आलू, बैंगन आलू, मैं अभी आया देख कर उसे। सुधा, ए सुधा, अरे देखो तो ये क्या बन गया। अरे कितनी बदबू आ रही है, ये तो जलकर राख हो गई। बैंगन तो तुम्हारे अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के रंग के हो गए हैं, पर आलू भी उसी रंग के हो गए हैं। और इस भगोने में क्या हो रहा है? मैं अभी देखता हूँ। एक बगुल। वाह वाह, मेरी ओर से भी सर्टिफिकेट ले लीजिए अपनी पाक कला के लिए। ये पुलाव बना है अब भात, मेरा कहना मानो तो इसके मैं छोटे छोटे लड्डू बना देती हूँ। तुम इन्हें अपने साथ अस्पताल लेते जाओ और मरीजों, डॉक्टरों और नर्सों को जाकर बांट दो, ये कहते हुए कि मेरे हाथ का लजीज पुलाव चखो। सुधा यू गो अवे, चलिए और यहाँ से। मैं अभी आ रहा हूँ, गरम गरम पूरियां लेकर आ रहा हूँ अभी अभी। तुम इतने पकौड़ियां खाओ, पकौड़ियां। अरे सुधा भाई ये तो बताओ कि पूरियों की लोई पर आटा लगाया जाता है या नहीं? अरे भाई चुप क्यों हो, अरे कुछ तो बोलो, या फिर मैं वहीं आकर गरम गरम पूरी लगा लूं तुम्हारे गाल पे। अरे डार्लिंग, ए सुधा डार्लिंग, भाई वो पहले वाली तरकीब को जरा फिर से दोहरा लो जाकर, जाओ जल्दी से। हेलो जी, वे घर पर नहीं है, मैंने कहा ना वे घर पर नहीं है। क्या इमरजेंसी केस, सीरियस पेशेंट? आज ही सुनते हो, सुपरिंटेंडेंट साहब इमरजेंसी के लिए बुला रहे हैं, बहुत सीरियस केस है। सीरियस केस? ओ भाई, मैंने कहा था तुम वो ट्यूब तो ले आओ, वो पीली वाली। क्या हुआ जी, क्या हुआ, ये फफोले कैसे पड़ गए? हाय हाय, मैं क्या करूं, किसे बुलाऊं? अरे मैं कहता हूँ हाथ पैर मत फुलाओ, जल्दी से वो पीली वाली ट्यूब ले आओ। गरम गरम तेल में पूरी छोड़ रहा था, अचानक तेल के छींटे जो है वो उछल कर मेरे पैर पर आ गिरे। ओह हाय हाय, हमने कान पकड़े भाई, न कभी झूठी गप मारेंगे और न कभी रसोई में घुसेंगे। मैं तो आज पहली बार जिंदगी में रसोई में घुसा था, अम्मा तो पैदा होते ही मर गई थी। प्यारी अम्मा मुझे माफ कर देना। हाँ तो भाई अब मुझे जल्दी अस्पताल जाने दो, भूखे पेट न सही लंगड़े पैर, तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा। सुनो तुम, ये मेरे पुलाव और सब्जी वब्जी को कुत्तों को बांट देना। डॉक्टर साहब ने घर संभाला, ये हास्य नाटिका अभी आपने सुनी। लेखक और निर्देशक थे प्रभात त्यागी।
आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।